और साथ में ओ माय गॉड गिरते गिरते बचा। भाई अभी क्या करोगे? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गियर शिफ्ट इज इंडिया। तो आज है संडे और मैं जा रहा हूँ राइड पे। KTM की ऑफिशियल राइड है आज, पुणे में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी ऑलरेडी 6:30 बज गए हैं और 6:30 मुझे शोरूम पहुँचना था, तो मैं जल्दी अभी निकल रहा हूँ। लेट हो चुका हूँ, वैसे भी 7:30 बज जाते हैं निकलते निकलते फॉर्मेलिटीज़ करते। और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और डेस्टिनेशन जो है मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, आगे आपको पता ही लग जाएगा कहाँ पे जाने वाले हैं। तो चलते हैं फिर, अपन निकलते हैं, चलिए। और घर से निकलते वक्त मैं माइक जो है वो GoPro को लगाना ही भूल गया भाई, तो ऑन पहुँचा हूँ मैं। और मैं जा रहा हूँ ऑन के शोरूम, जा रहा हूँ ऑन में शोरूम है, रिसेंटली न्यू ओपन हुआ है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। एंड हमेशा की तरह एक लिंक आता है ग्रुप पे कि जो भी राइडर्स आ रहे हैं तो उनको अपना नाम, बाइक कौन सी मॉडल की है, कौन से ईयर की है, आपको उसमें मेंशन करना होता है ताकि उनको एक काउंट आ जाता है कि इतने बाइक्स आने वाले हैं। तो हमें तो चलो वैसे भी नहीं पता चलता, पर इससे मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता इस बार ज़्यादा बाइकर्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये तो पहुँच के पता चलेगा। एंड मेरे एक्सपेक्टेशंस है कि मोर देन 20 तो बाइक्स होने ही चाहिए। और फ्यूल अप जो है मैंने रात को ही करके रख दिया था, मुझे पता था मैं लेट होने ही वाला हूँ, तो पहले ही करके रख दिया। ये बोला कोई सुबह सुबह अगर ओपन ना हुआ तो भाई फिर पंगे हो जाएंगे, या तो फिर रास्ते में रुको अलग से। एक बार कर दिया, टेंशन नहीं, सीधा जाओ डेस्टिनेशन पे और रिटर्न घर आ जाओ। ऑन का ही एरिया है पूरा, शाम को तो बढ़िया भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, और मतलब अच्छा एरिया है बहुत, काफ़ी। रोड गीला है, बारिश बहुत होके गई है 3 दिनों से, पता नहीं क्या हो गया भाई, बारिश बंद होनी चाहिए, तो अभी 3 दिन से बारिश ज़्यादा ही होने लगी है। ओ शेट, और मैं मेरा रेनकोट भी भूल गया, मुझे अब भी जस्ट याद आया, मैंने डाला ही नहीं बैग में यार। 45 to 50 किलोमीटर ही है, और ये ITI रोड है ऑन का। यहाँ पे भी शाम को बड़ी भीड़ लगी रहती है, लोग यहाँ बैठे रहते हैं, कपल्स आते हैं, फैमिलीज आती है, बैठ के अपना बातें करते हैं आराम से, बहुत बढ़िया रौनक रहती है यहाँ पे इवनिंग में। ये आ गया अभी बानेर फाटा, यहाँ से लेना है लेफ्ट, और मेरे हिसाब से कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर पर ही शोरूम है, वहाँ पे नेक्सा का शोरूम है मुझे पता है, एंड उसके बिल्कुल बाजू में ओपन हुआ है। तो ये रही एम्बुलेंस और ये रहा KTM का शोरूम, फाइनली पहुँच गए भाई, पहुँच गए यार, 20 से ज़्यादा काउंट तो मेरे हिसाब से होगा ही, कूल। तो बाइक पार्क करता हूँ, सूरज भाई ने वहाँ बोला लगाने। तो चलो भाई, 23-24 कुछ बाइक्स है, अब मज़ा आएगा। तो ये रहा शोरूम, ये कलर बढ़िया अच्छा लगता है मुझे, 390 का, देन एडवेंचर तो भाई ये बिल्कुल ऐसे कॉम्पैक्ट छोटी सी लगती है मुझे बाइक, अच्छी है, बढ़िया है, 250। अभी कुछ रजिस्ट्रेशन करना है वो कर लेते हैं।
रजिस्ट्रेशन हो गया है मेरा, लाइसेंस वगैरह दे दिया, डिटेल सब शेयर कर दी। हाँ हाँ हो गया। तो डिटेल्स जो थी, ड्राइविंग लाइसेंस लिया था तो उसके नंबर वगैरह डाल दिया उन्होंने, तो अभी बस सारे निकल ही रहे हैं। तो आप देख सकते हो बाइक सारे, थोड़े से फोटोज निकालेंगे अभी फिर निकलेंगे। तो डेस्टिनेशन जो है वो है मुल्शी। मुल्शी में कैफे पैराडाइज है तो वहाँ पे जाने वाले हम, तो अभी निकलेंगे बस। भाई पिलियन पे, पिलियन कैसे लेके जाते हैं आरसी पे? मुझे डर लगता है किसी को ले जाने के लिए, भाई गिर गिर जाएगा। मैं तो कभी ना बिठाऊं किसी को, और ना मैं किसी के पीछे बैठ के जाऊं। रोड बस ड्राई होना तो चलाने का और भगाने का मजा है। सबसे ज़्यादा गेयर्स तो मेरे हिसाब से मैंने पहने हुए हैं राइडिंग बोर्ड्स भी, बाकी किसी का मैंने देखा नहीं है, बाद में देख लेते हैं। होता है यार जब नई बाइक लेते हैं तो कहाँ इंसान एक साथ सारा कुछ ले लेता है। मेरे पास खुद के पास नहीं था, पहले हेलमेट लिया, नी गार्ड्स लिए, फिर जैकेट ली, फिर उसके बाद मैंने ग्लव्स तो ले लिए दो चार, फिर बूट्स लिए, बाकी उसके बाद फिर बाइक में पावर ट्रॉनिक्स, केनन, फिर फ्रेम स्लाइडर्स, टैंक क्रैश पैड, फिर टैंक गैस पैड, देन सीट कॉल, उसके बाद टेल टाइडी, उसके बाद एलॉय डिकेल्स, फिर हजार्ड लाइट्स, फिर भाई बहुत कुछ लगा है, एक दो चीज़ें रह गई है। बट ऐसे आपको करना है ना बाइकिंग वगैरह तो आपको मतलब बहुत खर्चा है, ऐसा नहीं है कि बाइक ले ली, हेलमेट ले लिया और हो गया। ये सब कुछ मतलब शौक पे डिपेंड करता है कि आपको ये करना है या नहीं करना है। शौक के आगे कुछ नहीं है, शौक है तो इंसान जो चाहे वो करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। ऐसे रोड है यहाँ पे यार, कब रोड बनाएंगे? पुणे में तो कम से कम 60-70% तो सब जगह भाई रोड का, मेट्रो का यही सब काम चल रहा है। तो वजह से क्या होता, तो वो मेट्रो की वजह से रोड भी नहीं बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो हम एक घंटे के अंदर अंदर पहुंच ही जाएंगे आराम से। दो चार महीने से ही बंद किया हुआ है देखिए, तो ये चांदनी चौक तो सीधा ऊपर, तो अभी कर दिया है बंद। भाई ये कहाँ जा रहे हैं? हमें तो पता है इधर जाना है, शायद उसे पता नहीं होगा। भाई यहाँ आ जाओ, इधर से जाना है। मैं तो खैर मेरे ससुराल जाता रहता हूँ भाई यहीं से, तो इसलिए मुझे पता है। सूरज भाई की जगह तो मैं ही लीड करने लग गया, मैं पीछे हो जाता हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, देन सीधा वो जो रास्ता लवासा को जाता है सीधा सीधा निकलेंगे। लवासा का तो मतलब आगे से लेफ्ट जाता है काफ़ी आगे जाने के बाद, तो लवासा रोड बोलूँगा तो जिन्हें पता है, तो बस पुणे में जो रहता है वो पता ही होगा। अभी बस के पीछे 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 जाते रहो भाई, इसी तरह निकलेंगे तो मुश्किल से एक एक दो दो करके आगे। लास्ट टाइम तो क्या हो गया था भाई, एम्बुलेंस वाले तो पहले निकल गए थे। बढ़िया व्यू है,
लगता है, लेफ्ट मारते हो तो आप जाओगे सीधा लवासा, और राइट मारोगे तो आप हिंजेवाड़ी की तरफ निकल जाओगे अंदर से मारुंजी गांव होके। इन्होंने दिमाग लगाया भाई, ऊपर से चले गए रॉन्ग साइड। ओ भाई क्या रोड है भाई, ये तो यहाँ फंस गए भाई। अभी क्या करोगे? आ जाएंगे घूम के, दूर है कब पहुंचेंगे। और अभी ऐसे रास्तों में जा रहे ना तो आज मेरे से फील हो रहा है भाई, मैं वाकई राइड पे जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत आज एडवेंचर जैसा ही लग रहा है भाई, रोड पे पानी, बड़े बड़े खड्डे, ऐसा हो रहा है पहुँचेंगे कब। क्योंकि भाई आरसी पे ना हालत ख़राब हो जाती है ऐसे रास्तों पे। आविष्कार भाई हमारा वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम पहुंच गए हैं मुझे ऐसा लगता है। आ जाओ भाई आ जाओ, अभी चलते हैं अंदर। ओहो बड़े आराम से, पूरा ग्रीनरी है इधर। वैसे रेव किया ही नहीं यार, तो हम जा रहे हैं भाई अभी चल के। और ये रहा एंट्रेंस ऑफिस एंड रिसेप्शन। खाने पीने का पूरा इंतजाम है इधर आज। लास्ट तक है ना, मैं लास्ट तक कंटिन्यू होता है, मैंने वन ओवरटेक कर लिया। हाँ भाई तो ये खाने पीने का स्टॉल लग रहा है, तो आने दीजिए एक बार फिर दिखाते हैं क्या क्या है खाने के लिए। तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए। तो गाइज आपको थोड़ा व्यूज़ दिखाते हैं, भूख लगी हुई है, चाय तक पी नहीं है सुबह की। मुझे ऐसा लगता है हम लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी पहुंच गए यहाँ पे, जिस वजह से कुछ मुझे नहीं लगता कुछ रेडी हुआ है अभी तक। तो मैंने बोला कुछ व्यूज़ के नज़ारे लेते हैं, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो आप ये देखिए। बहुत बढ़िया व्यू है इधर। तो ऐसे हमेशा हमें नई नई जगह देखने के लिए मिलती है। तो बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ऑलरेडी भीग गया हूँ क्योंकि जैकेट का जो रेन लाइनर था मैंने नहीं लाया था। तो जैसे ही खाने के लिए कुछ मिलता है तो दिखाते हैं भाई आज क्या स्पेशल है यहाँ पे। Mm-hmm.
तो फाइनली ब्रेकफास्ट आ गया, अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ये भाई को भी बहुत भूख लगी हुई है तो चुपचाप बैठा है। ओह शुरू भी हो गए। तो ये रहा भाई आज का नाश्ता। ये क्या दही है? दही तो मैं खाता नहीं, कोई ले लेना। वो आलू के पराठे? वाह वाह, दही नहीं खाता यार मैं। आलू के पराठे आज तो टूट पड़ेंगे भाई, और मैं भी। पर टेस्ट कैसा आएगा आपको बताएंगे बाद में, अभी शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। अभी सबसे पहले शुरुआत की आविष्कार भाई ने। सबसे प्लेट भी पहले इधर ही आई है। खाओ खाओ भाई, चलो मैं भी शुरू करता अभी। फर्स्ट हो गया है, आलू के पराठे बढ़िया थे, टेस्ट अच्छा था, काफ़ी अच्छा नहीं था। और साथ में पोहे, ओह माय गॉड, गिरते गिरते बचा। साथ में पोहे, देन दही था, दही तो मैं खाता नहीं हूँ, और चाय थी। तो हो गया, अभी ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करेंगे और यहाँ से सीधा निकलेंगे। रोड कुछ खास अच्छे नहीं है, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पे ये देखिए फोटोग्राफी चल रही है। तो आप लोगों को जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।